नमस्कार साथियों, पैरामाउंट एग्रो सक्सेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राकेश शर्मा आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो एग्रोनॉमी की क्लासेस हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारा चैप्टर शुरू होता है वो हमारे एनवायरमेंट यानी वातावरण से शुरू होता है। इसी से जुड़ी कड़ियाँ हमें समझनी पड़ेंगी। जैसे समझिए कि अगर हमें वेदर और क्लाइमेट यानी मौसम तथा जलवायु को समझना है तो हमारी जितनी भी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उनको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर में हाइट बढ़ने के साथ साथ प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और इसके साथ साथ जितने भी फिनोमिनान हैं वेदर या क्लाइमेट रिलेटेड फिनोमिनान हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आइए आज इनको हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और अगर आप लोगों को क्लास समझ में आए तो चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है हमारा वातावरण, उसको हम कह क्या रहे हैं। समझिए वातावरण क्या है। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, अदृश्य हैं, भौतिक रूप से हमारे आसपास का जो वातावरण है, आसपास का जो क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी जैसे भी प्रेजेंट हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वातावरण बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, वातावरण बोला जाता है। अब वातावरण में हम समझना पड़ेगा हमें कि ये जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई खड़ा है और इसके आसपास का सराउंडिंग जो एरिया है, पृथ्वी पर आदमी खड़ा है और इस पृथ्वी सतह की जो सराउंडिंग एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे भाई, वातावरण बोलेंगे। तो ये चीज़ तो आप लोगों के भली भांति समझ में आ गई होगी कि वातावरण में एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी लेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले समझनी पड़ेंगी हमें इनकी चार लेयर्स होती है। कौन सी लेयर्स होती है भाई, चार लेयर्स होती हैं। जैसे मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है, ये चार लेयर्स कुछ चार से सबसे नीचे वाली जो लेयर है यानी ये पृथ्वी की है और इस सतह के सबसे पास में जो लेयर है यानी ये एक नंबर है और ये दो नंबर है, तीन नंबर और लास्ट वन। तो पहली जो एक नंबर की लेयर है उसको समझो, उसको क्या नाम दिया गया है देखेंगे बच्चे गौर से, ट्रोपोस्फीयर। क्या नाम दिया गया है, ट्रोपोस्फीयर, मानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, शोभ मंडल। दूसरा क्या आता है भाई, समताप मंडल। तीसरा मध्य मंडल और चौथा आता है हमारा ताप मंडल। आप अब समझनी पड़ेगी हम लोग कि यहां पर अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो ये धरातल है, यहां पर कुछ पहाड़ियां वगैरह आप लोगों को दिख, ये जो हाइट है, ये जो हाइट है इसकी ऊंचाई 8 या 18 किलोमीटर हो सकती है। अब 8 या 18 किलोमीटर का क्या मतलब है यहां पर, 8 या अच्छा ये क्या कलर कर लेते हैं, 8 या 18 किलोमीटर इसकी क्या है, हाइट है। अब ये 8 या 18, कई बच्चे इसको समझते हैं सर 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर चाहिए, नहीं साहब इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो हाइट है वो इक्वेटर पर अलग होगी और पोल्स पर अलग होंगी। बड़ा ध्यान से सुन, इक्वेटर पर इसकी हाइट अलग होगी ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई, और पोल्स पर इसकी ऊंचाई क्या होगी, अलग होगी। तो अब समझते हैं, देखो इसमें अगर आप लोग गौर से देख पा रहे हो तो यहाँ पर कुछ आपको बादल दिख रहे हैं, यहाँ पर बादल दिख रहे हैं, ये कुछ गुब्बारे वगैरह उड़ रहे हैं, यहाँ पर जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमिनान हैं, हाँ, यानी हम कह सकते हैं ओस, वर्षा, ओले, बादल, बिजली कड़कना, के सारे जो फिनोमिनान हैं यानी मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक या मौसम तथा जलवायु से संबंधित जितने भी कारक हैं वो सारे के सारे इसी मंडल में रहते हैं, ट्रोपोस्फीयर में। कह सकते हैं कि हम जहाँ से हैं, जहाँ स्थित हैं, जहाँ खड़े हैं, उससे अधिकतम 18 किलोमीटर ऊपर से ना कोई बिजली कड़कती है साहब, ना इसके कोई ओस की बूंद गिरती है, यानी सब जो मौसम तथा जलवायु से संबंधित जितनी सारी क्रियाएं हैं वो सारी की सारी ट्रोपोस्फीयर के अंतर्गत होती हैं। ट्रोपोस्फीयर की बात करते हैं तो ट्रोपोस्फीयर के बाद में मंडल आता है समताप मंडल।
नाम दिख रहा है आप लोगों को, समताप मंडल, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, स्टेप्टोस्फीयर। ये यहाँ पर यहाँ तक का स्टेप्टोस्फीयर है, और ये यहाँ पर ये ट्रोपोस्फीयर है, स्टेप्टोस्फीयर है, मीजोस्फीयर है, और पर क्या दिखाया गया है, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर का ऊपर वाला वाला भाग है वो आइनोस्फीयर है, ऊपर वाला एग्जोस्फीयर। फिर आता है सौर मंडल के बाद समताप मंडल। अब नाम से दिख रहा है कि समताप मंडल, इसका मतलब इस मंडल में तापमान लगभग लगभग समान बने रहेगा, लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घट भी सकता है और तापमान बढ़ भी सकता है। इसको हम समझेंगे अगले वाले डायग्राम में, जिसमें हम देखेंगे कि तापमान बढ़ेगा कैसे और घटेगा कैसे, ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगा या घटेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, स्टेप्टोस्फीयर में क्या होता है। स्टेप्टोस्फीयर में 18 से लेकर 25 किलोमीटर की ऊंचाई में, यानी लगभग लगभग इस स्फीयर के या समताप मंडल के मध्य में पाई जाती है एक ओजोन परत। ओजोन क्या होती है, तब ऑक्सीजन तीन परमाणु मिलकर, तीन एटम मिलकर एक संरचना बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। तो ये ओजोन की परत जो है वो लगातार डिप्लीट होती जा रही है, लगातार नष्ट होती जा रही है। इसमें एक बड़ा होल होता जा रहा है जिसे हम ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं, जिसमें चार जो गैसें हैं वो मुख्य रूप से भाग लेती है, जिनमें खतरनाक जो गैस होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के नाम से जानी जाती है। अब ये CFC जो है, एक मोल CFC का 1,00,000 मोल ओजोन की परत को नष्ट करता है। अब इसको समझना पड़ेगा कि सर ओजोन परत जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में होना जरूरी है या नहीं होना जरूरी है। तो इस बात को समझिए कि ओजोन की जो परत है उसको हमारे वायुमंडल में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ओजोन परत एक्चुअल में, ओजोन परत का काम क्या होता है, ये करती है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण। पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे जो होती है वो समष्टि के लिए, जितनी भी पृथ्वी पर, चाहे वो पशु जाति हो, पेड़ पौधे हों, वनस्पति हो या मानव हो, सभी के लिए क्या होती है, खतरनाक होती है, भयंकर होती है। इससे कई प्रकार के रोग, स्किन एलर्जी वगैरह, ये सारे रोग इससे हो सकते हैं। तो ये पराबैंगनी किरणें कहाँ से आती है, सूर्य से आने वाली विकिरणों के साथ पराबैंगनी किरण भी आते हैं, पराबैंगनी किरणें भी आती हैं, उनको पृथ्वी पर पहुँचने, धरातल पर पहुँचने से पहले रोकने का काम कौन करती है, ओजोन की परत इनको रोकने का काम करती है। ओजोन की परत की ऊंचाई पूछेगा साहब आपसे, तो क्या करेंगे बच्चे, 18 से लेकर 25 किलोमीटर के बीच में। 18 से 25 किलोमीटर का मतलब ये नहीं कि 18 से 25 किलोमीटर के बीच में पाई जाएगी, या तो वो 18 किलोमीटर पे पाई जाएगी या 25 किलोमीटर पे पाई जाएगी। ये पोल्स पर और इक्वेटर पर हाइट अलग अलग हो सकती है, मैंने आपको पहले ही बताया। स्टेप्टोस्फीयर की कुल हाइट की बात करते हैं तो ये 18 से लेकर 50 किलोमीटर क्या होती है, हाइट होती है। अगर हम मीजोस्फीयर की बात करते हैं तो मीजोस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं देखो मध्यमंडल। अब ये लगभग 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 क्या होता है, बीच में ही पाया जाता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, मध्यमंडल। आपसे पूछेगा कि वायुमंडल का सबसे जो ठंडा मंडल है उस मंडल का क्या नाम रखा गया है, तो जो सबसे ठंडा मंडल है, जो सबसे ठंडा मंडल है वो कौन सा है भाई, मध्यमंडल ही है। यानी इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या आएगी, गिरावट आएगी। सौर मंडल में भी क्या आएगी, गिरावट आएगी। समताप मंडल में पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा, तो इक्वल तापमान लगभग लगभग एक बना रहता है, और यहाँ से तापमान फिर क्या होगा, मध्य मंडल में घटेगा और ताप मंडल में फिर एक सिग्मोइड टाइप का वक्र बन रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये देख सिग्मा टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ अगर देख पा रहे हैं, यहाँ से चला, कम हुआ, बड़ा, कम हुआ, बड़ा, फिर कम हुआ और लास्ट में बड़ा, सिग्मोइड एक वक्र बन रहा है। इसलिए वायुमंडल का जो तापमान संबंधित फिनोमिना है, करैक्टर है, उसको हम सिग्मोइड वक्र से हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। चलिए आगे आते हैं, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर की जो ऊंचाई होती है वो होती है 80 से 100 किलो। अब इसमें थर्मोस्फीयर में भी दो बताए, एक नीचे वाला आयनोस्फीयर बताया, ऊपर वाला एग्जोस्फीयर। आयनोस्फीयर की ऊंचाई की बात करते हैं तो 80 से 160, और एग्जोस्फीयर की 160 से 1600 होती है। ठीक है, इस डायग्राम से जितना समझ में आया उतना समझिए, और बाकी नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको आगे देखें। तो देखो हम क्या कह रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है, मान इस पर
पर सबसे पहला मंडल आता है वो आता है थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर के बाद जो मंडल आता है वो आता है स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद में जो मंडल आता है वो आता है मीजोस्फीयर, और मीजोस्फीयर के बाद में जो मंडल आता है वो आता है हमारा थर्मोस्फीयर। चार प्रकार के हमारे मंडल है, समझ। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं भाई? शोभ मंडल को नाम दे रहे हैं समताप, को हम नाम दे रहे हैं मध्य मंडल, नाम दे रहे हैं ताप मंडल। अब यहां पर ये जो शोभ मंडल होता है इसमें मैं बना देता हूं ये बादल है, उसकी बूंद, आंधी चलना, चक्रवात, बिजली का कड़कना, वर्षा होना, सभी संबंधित जो जलवायु से भी कारक हैं सारे के सारे कहाँ सही पर पाए जाएंगे, तो शोभ मंडल के अंतर्गत ही ये पाए जाएंगे। शोभ मंडल से ऊपर इनका कोई काम नहीं रहता है, फिर आ जाता है हमारा समताप मंडल। अब इनको समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। समताप मंडल की अगर हम बात करते हैं, समताप मंडल की इस ऊंचाई की बात करते हैं, शोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? शोभ मंडल की ऊंचाई होती है 8 या 18 किलोमीटर। अगर समताप मंडल की बात करते हैं, समताप मंडल की टोटल जो ऊंचाई होती है होती है 18 से लेकर 50 किलोमीटर। लेकिन समताप मंडल के बीचों बीच एक परत पाई जाती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं भाई, यहां पर लिख रहा हूं मैं, ओजोन लेयर पाई जाएगी। अब ये ओजोन लेयर टोटल की ऊंचाई कितनी बता रहे हैं, बताया सर ने, समताप मंडल जो उसकी टोटल ऊंचाई जो रहेगी वो 18 से 50 किलोमीटर रहेगी। लेकिन अगर हम ओजोन परत की ऊंचाई की बात करते हैं 18 से लेकर 25, और अगर हम की ऊंचाई की बात करते हैं तो 25 से लेकर कितना बच गया भाई, 50 किलोमीटर। यानी ओजोन से अधिकतम जो ऊंचाई है, ओजोन परत से लेकर समताप मंडल की अधिकतम ऊंचाई वो रहेगी 25 से 50, और शोभ मंडल के बाद लेकिन समताप मंडल में ओजोन परत की ऊंचाई रहेगी वो 18 से 25 किलोमीटर। अब वायुयान जो उड़ान भरते हैं, वायुयान जो उड़ान भरते हैं हमारे, वो किस में भरते हैं भाई, वायुयान का कुछ क्या मैंने देखेंगे, वायुयान जो उड़ान भरते हैं हमारे वो किस में भरते हैं, समताप मंडल में उड़ान भरते हैं। अब इनको तापमान को भी समझेंगे, मध्य मंडल में, इसकी मध्य मंडल की ऊंचाई की बात करते हैं तो ये रह जाता है हमारा 80 किलोमीटर इसकी ऊंचाई रह जाती है, और लास्ट वन बच जाता है हमारा तापमंडल। अब तापमंडल की भी बात करते हैं, तापमंडल को भी दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। अंदर वाला जो है वो क्या है, आयन मंडल, अंदर वाला क्या है आयन मंडल, और बाहर वाला क्या है बहिर्मंडल, बहिर्मंडल एग्जोस्फीयर, ये आयनोस्फीयर, ठीक है। अब जितने भी हमारे सैटेलाइट हैं, जैसे आप हमें देख पा रहे हैं, ऑनलाइन देख पा रहे हैं, तो इसका कारण कहाँ है, सैटेलाइट जो इसमें ये जो हम पढ़ रहे हैं आयनोस्फीयर आयन मंडल, इसी की यही वजह है जिसकी वजह से आप हमें ऑनलाइन देख पा रहे हैं, या हम मोबाइल यूज कर पाते हैं, सिग्नल ले पाते हैं, दूर बैठे किसी आदमी से बात कर पाते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर पाते हैं, मैसेज कर पाते हैं, इसके अलावा रेडियो टेलीविजन जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे आयन मंडल से संचालित होते हैं। देखिए जितने भी हमारे उपग्रह होते हैं, वो कभी आपसे कोई पूछेगा कि हमारे उपग्रह वायुमंडल की किस परत में होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सब थर्मोस्फीयर तापमंडल में होते हैं। अब वो पूछेगा कि तापमंडल की कितनी ऊपरते हैं, तो दो ऊपरते हैं, नीचे वाली ऊपरत को हम क्या बोलेंगे आयन मंडल बोलेंगे, ऊपर वाली ऊपरत को क्या बोलेंगे बहिर्मंडल बोलेंगे। तो हमें समझना पड़ेगा कि जितने भी हमारे उपग्रह हैं, जो संचार प्रणाली जो है हमारी,
वो सुचारू रूप से चल पाती है, वो किसकी वजह से चल पाती है, हमारे जितने भी उपग्रह हैं उनकी वजह से, जितने भी सैटेलाइट हैं हमारे उनकी वजह से। अब ये सैटेलाइट कहाँ होते हैं साहब? तो सैटेलाइट होते हैं तापमंडल की नीचे वाली उपपरत यानी आयन मंडल के अंदर स्थित होते हैं, सीधी बात है। अब लास्ट बना जाता है हमारा बहिर्मंडल। अब इनके तापमान का जो स्ट्रक्चर है वो एक बार समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले मैं आपको पहले वाला एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, दोबारा से देखिएगा। देखो यहाँ पर आपको एक्सोस्फीयर दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक सैटेलाइट दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये मैंने जहाँ मार्क किया है वहाँ पर सैटेलाइट देख पा रहे हो, लग रहा है इसमें डायग्राम थोड़ा सा अंदर दिख रहा है, इसकी वजह से नहीं दिख रहा। ये सैटेलाइट यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, ये उल्का पिंड गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उल्का पिंड कहाँ से गिरे? थर्मोस्फीयर से आ रहे हैं, यानी कि लास्ट वाले मंडल से। अब वायुमंडल जहाँ खत्म हो जाता है उसके बाहर भी कई पृथ्वी जैसे कई गोले, उनसे भी क्या आ रहे हैं? ये उल्का पिंड। तो चलो हमने चार जो लेयर्स हैं पृथ्वी की वो हमने वायुमंडल की चारों, एनवायरमेंट की चारों जो लेयर्स हैं उनके बारे में हमने अच्छे तरीके से बात कर ली है। अब इनके टेम्परेचर का जो स्ट्रक्चर है उसको एक बार समझ लेते हैं कि टेम्परेचर को हम किस तरीके से मेजर करेंगे। तो एक आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें देखेंगे एक बार के लिए कि एक बार हम तापमान इधर मान लेते हैं कि इधर की तरफ चलेंगे तो तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? तापमान में वृद्धि होगी। और इस इधर चलेंगे तो क्या होगी? ऊंचाई में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यानी ऊपर की तरफ एरो किया मतलब ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, और साइड एरो किया इसका मतलब तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब समझना पड़ेगा, आप जहां पर खड़े हैं वहां से ऊपर की तरफ चलेंगे तो तापमान में कमी आएगी या वृद्धि होगी या तापमान एक समान बना रहेगा? जैसे आप धरातल में यहां पर खड़े और आप यहां से ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे किसी पहाड़ पर जाते हैं, चलो पहाड़ भी छोड़िए, आप तो बिना किसी ऑब्जेक्ट से दूर जाना है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, पहाड़ में पत्थर होते हैं उनको ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, यहां से आप ऊपर जा रहे हैं धरातल से तो तापमान में, अच्छा ऊपर सूर्य है तो आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं? तो जो हमारी पृथ्वी धरातल है उससे हम सूर्य की तरफ जा रहे हैं, तो तापमान में क्या होनी चाहिए? बढ़ोतरी होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी किरण होती है, जैसे मान लो कि हमारा क्या है और आप यहाँ पर खड़े हैं, आप क्या हो यहाँ पर खड़े, तो एक्चुअल में यहाँ पर कई सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, जैसे मान लो यहाँ कोई ट्रैक्टर है, यहाँ धरातल है, यहाँ कोई पहाड़ है, यहाँ कोई पेड़ पौधे हैं, तो ये किरण क्या करेगी? यहाँ इनसे आकर क्या करेगी? टकराएगी। किसी भी ऑब्जेक्ट से जब प्रकाश टकराता है तो उसके तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट से जब तापमान विकिरण टकराते हैं तब तापमान में क्या होती है साहब? वृद्धि होती है। अब मान लो कि इस आदमी को उठा के मैंने यहां कर दिया, अब किससे टकराएगी किरण? इस आदमी से टकराएगी। पहले इस आदमी से भी टकरा दी थी और ऑब्जेक्ट से भी टकरा दी थी। अब एक किरण आदमी से टकराएगी, मनुष्य से टकराएगी, मानव से टकराएगी और नीचे ऑब्जेक्ट की तरफ चली जाएगी। अब एक्चुअल में ऊपर जाने पर तापमान क्या होगा? घटेगा। कारण समझिए, क्योंकि यहाँ पर आप खड़े थे और आपके साथ में क्या थे? बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी थे, दोनों गर्म हो रहे थे। अब सूर्य की विकिरण ऑब्जेक्ट से, क्योंकि आप तो आपका शरीर तो सीमित है, जितना दिख रहा है उतना है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो असीमित, सब कुछ ऑब्जेक्ट। अब अगर इन पर सूर्य की विकिरण आकर टकराएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इन सब ऑब्जेक्ट को छोड़कर आप सीधे एनवायरनमेंट में ऊपर की तरफ जा रहे हो तो तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कम? क्योंकि ऑब्जेक्ट से टकराकर तापमान नीचे की ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो नीचे धरातल पर तो तापमान बढ़ेगा, लेकिन ऊपर जाएंगे तो ऑब्जेक्ट से हम दूर होते जा रहे हैं तो तापमान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसी तरीके से हम समझेंगे कि हाँ, मैं कह रहा था आपसे कि जो सूर्य की विकिरण होती है वो किस बात से होकर गुजरती है? अगर वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती नहीं है, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ गुजर रही है और बीच में कुछ भी नहीं है, यहाँ सूर्य की विकिरण है, उसका तापमान यहाँ के बजाय यहाँ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये जो ऑब्जेक्ट सूर्य की विकिरण है, सोलर रेडिएशन है, वो जाकर किसी ऑब्जेक्ट से टकराया है, तब इसका तापमान क्या हुआ है? बढ़ा है। यहाँ जो बीच का जो गैप है उसका तापमान कभी भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इसकी तुलना में, इस ऑब्जेक्ट की तुलना, ऑब्जेक्ट से सीधा संपर्क में आ रही है विकिरण, इसलिए उसका तापमान बढ़ेगा। तो पृथ्वी पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे होते हैं और इसीलिए इसका तापमान क्या होता है? बढ़ता है। जैसे ही हम इसके ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान में क्या आएगी साहब? क्या बढ़ता है? समझ में आया क्या? तापमान में क्या आई है? गिरा। तापमान क्या हुआ? गिरा। अब आ जाती है हमारे यहां पर
ये क्या है? आयन मंडल, तो पूरा का पूरा समताप मंडल है। ये बीच में क्या ये आ रही है? ओजोन परत, ओजोन परत, ओजोन परत। चलिए, और ओजोन परत के बाद में ऊपर की तरफ क्या आ रहा है? स्ट्रेप्टोस्फीयर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम स्ट्रेप्टोस्फीयर में। अब स्ट्रेप्टोस्फीयर में तापमान घटता है या बढ़ता है, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि स्ट्रेप्टोस्फीयर में एक्चुअल में होता क्या है। तो स्ट्रेप्टोस्फीयर में क्या होगा, समझो कि ओजोन परत क्या करेगी? पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करेगी। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज। अब ये अल्ट्रावायलेट रेज जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओजोन परत का तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे ही हम ओजोन परत की तरफ जाएंगे तो इसका तापमान क्या होगा? हल्का सा बढ़ेगा, हल्का सा क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही हम ओजोन परत से दूर जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट से दूर जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट से दूर जा रहे हैं, तो ये तापमान घटेगा। ऐसे ही ये तापमान में क्या होगी? कमी आएगी। तापमान में क्या आएगी? अब यहां पर अगर आप लोग देख पा रहे हो तो इसको समताप मंडल क्यों कह रहे हैं, यहां पर ध्यान दो, क्योंकि ये एग्जिट पॉइंट है और ये इनर पॉइंट है। ये एग्जिट पॉइंट और इनर पॉइंट पर तापमान क्या है? समान है। जितना यहां पर तापमान था उतना ही था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? समताप मंडल कहा जाता है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है कि गिरावट आती है, तो तापमान में वृद्धि होती है। यहां से बढ़ेगा उससे, ये तो कितना है, 18 से 25 किलोमीटर, यहां से 25 से 50 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर का डिफरेंस है। और यहां कितना है? 5 और 2 7 किलोमीटर का। यहां तापमान क्या हुआ? घटा, बढ़ा। और यहां पे क्या हुआ? घटा। तो ओवरऑल देखते हैं तो तापमान कैसा बना हुआ है? समान बना हुआ है। इनर पॉइंट पे जितना तापमान था, एग्जिट पॉइंट पे भी उतना तापमान। फिर आते हैं मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर को हम क्या बोलते हैं? तापमान में क्या आती है साहब? क्या बताया था अभी? बताया था कि मीजोस्फीयर या मध्यमंडल का तापमान जो होता है वो सबसे कम होता है। कैसे कहा हमने? क्योंकि मध्यमंडल सबसे ठंडा मंडल है। और सबसे ठंडा मंडल है किस लिए? कैसे पता चला हमें? क्योंकि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट से, पृथ्वी की धरातल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहां से क्या हुआ हमारा? और लास्ट की अगर बात करते हैं थर्मोस्फीयर, अब इसकी ऊंचाई की टोटल बात करते हैं, जाता है 1600 किलोमीटर। बहुत ज्यादा दूर हो गया है, बहुत ज्यादा दूर हो गया है 1600 किलोमीटर। यहां से क्या करेगा? ये तापमान हल्का हल्का बढ़ेगा, लेकिन हल्का। अब फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखो आपको इसमें भी बताया था, एक सिग्मोइड टाइप का वक्र बन रहा है, अगर आप लोग देख गौर से देख पा रहे हो तो। ऐसे बनाया था सिग्मा, यानी कुछ इस तरीके से, इस तरीके अगर आप लोग देख पा रहे। और यही हम यहां पे कह रहे हैं, यहां पर जो है वो सिग्मोइड वक्र बन रहा है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एनवायरमेंट, जो पृथ्वी का वातावरण है, तापमान, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वक्र से दर्शाता। चलिए, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। छोटी छोटी चीजें जो हैं इनके बारे में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो मंडल आता है हमारा, आता है देखो इनके बारे में क्या लिखेंगे, धरातल से सबसे पहले तो ऊंचाई, सबसे का मंडल है, ऊंचाई कितनी होगी? 8 या 18 किलोमीटर पोलर पर और इक्वेटर पर, ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। अगर हम बात करते हैं कि ऊंचाई बढ़ने पर, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है, कैसे? क्योंकि पृथ्वी की धरातल है, धरातल से जैसे हम ऑब्जेक्ट से दूर जाते जाएंगे, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, यानी किरणों के जो टकराव है, ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो तापमान बढ़ेगा, धरातल का तापमान बढ़ेगा, और धरातल से ऊपर जा रहे हैं तब ऊंचाई बढ़ेगी, तो तापमान में क्या आएगी? कमी आती
मौसम बंदी सभी नहीं जैसे बादल बनना ओले गिरना ओस तथा तथा अन्य नहीं सारी की सारी जो होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं सब वो सोम मंडल के अंतर्गत ही आती है। अब सोम मंडल और समताप मंडल को मिलाने वाली जो रेखा है ताप मंडल मिलाने वाली ट्रोपोपोज कहते हैं क्या कहते हैं ट्रोपोपोज। और जैसे ऊंचाई पर एक लेफ्ट रेट का नाम सुना होगा आप लोगों को वो भी इसमें याद रखने की चीज प्रत्येक एक किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है इसे फॉस दर या डेप्थ रेट क्या कहते हैं लेप्स रेट या फॉस दर कहा जाता है। आई होप आप लोगों को ये जो सोम मंडल है इसके बारे में तो सब कुछ पता चल गया होगा। जैसे धरातल से ऊपर की तरफ जाएंगे सबसे नज़दीक का मंडल है पृथ्वी की धरातल के सबसे नज़दीक का मंडल है ऊंचाई 8 या 18 किलोमीटर। वेदर रिलेटेड जितने भी फिनोमिना ओले गिरना उस अन्य घटनाएं जैसे बिजली का कड़कना बादल बनना वर्षा ये सारी की सारी घटनाएं उत्पन्न होती है और गैसों का सर्वाधिक दबाव जो होता है बात कर लिए सोम मंडल की बात कर ली। अगर हम आगे की बात करें आगे वाला कौन सा मंडल आ जाता है हमारा ताप मंडल। ऊंचाई की बात करते हैं ऊंचाई हो जाती है साहब इसकी 18 से लेकर 50 के इसे क्या कहते हैं इसे ओजोन मंडल भी ओजोन मंडल क्यों कहते हैं क्योंकि इसके बीचों बीच परत पाई जाती है उनकी परत पाई जाती है साहब इसलिए मंडल भी कहते हैं। ओजोन परत की ऊंचाई ओजोन परत की ऊंचाई होती है 18 से 25। ओजोन परत क्या करती है इसे आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोष करती है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण। अब ओजोन परत डिप्लीट होती जा रही है ये भी बताया था मैंने ओजोन परत लगातार
छिद्रग्रस्त होती जा रही है, इसका कारण हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये हरित गृह प्रभाव जो होता है उसमें चार गैसें जो मुख्य रूप से भाग लेती है, करना को ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो तो देखो कौन सी है, केएफसी है, H4 है, NO2 है, अलावा ये चार गैसें हैं। और इन चार में भी अगर बात करते हैं तो सबसे भयंकर होती है वो होती है सबसे सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक एक मोल केएफसी 1,00,000 मोल O3 को नष्ट करती है। एक लाख मोल O3 को नष्ट करती है कौन, एक मोल CFC का, केवल एक मोल 1,00,000 मोल को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ओजोन समताप मंडल के बारे में थे, वायुयान इस मंडल में उड़ान भरते हैं, तो सा ध्यान रखें वायुयान मंडल में उड़ान वायुयान की बात करते हैं तो वायुयान इसी मंडल में उड़ान भरते हैं, मतलब समताप मंडल में क्या करते हैं, उड़ान भरते हैं। समताप मंडल की बात करते हैं, समताप मंडल के जो बाद हमारा मंडल आता है, अच्छा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, लेकिन अल्टीमेटली तापमान क्या होता रहेगा, लगभग लगभग बराबर बना। चलिए आगे चलते, आगे का जो हमारा मंडल आता है वो आता है मध्यमंडल, जो जो स्पेयर की बात करते हैं तो यह है सबसे ठंडा मंडल है क्या, ये धरातल से पहला आता है शोभ मंडल, फिर ताप मंडल, तीसरा जो है वो मंडल आता है वो है मध्य मंडल। तापमान में कमियां, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या होती है, कमी आती है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं टोटल, तो एनवायरनमेंट में इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई होती है साहब इसकी 50 से लेकर, ठीक है, पोल्स पर इसकी ऊंचाई बात करेंगे 10 किलोमीटर, मीटर पे ऊंचाई आसपास इंच में। चलो ये तो बात हो गई किसकी, मध्य मंडल की, सबसे ठंडा मंडल है, माइनस में नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव में टेम्परेचर इसका चला जाता है। चलिए आगे अगर बात करते हैं मंडल की, तो लास्ट जो हमारा मंडल आता है उसका ताप, ताप मंडल मौलिक थर्मोस, थर्मोस ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या होती है, तापमान में ऊंचाई बढ़ने पर वृद्धि होती है। अगर हम इसकी बात करें तापमंडल की, तो ऊंचाई ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई जो होती है वो 80 से लेकर 100 मीटर दूर तक। अब तापमंडल जो है तो दो परतों में बांटा गया, एक क्या था नीचे वाला जो है वो क्या है, आयन
वाला क्या है? बहिर आयनमंडल की ऊंचाई की बात करते तो 80 से 160 किलोमीटर ऊंचाई होती है, और इसकी 160 से लेकर 1600 किलोमीटर ऊंचाई होती है। सबसे लास्ट का मंडल जो होता है, लास्ट का धरातल से लास्ट वाला होता है तापमंडल। इसकी दो लास्ट का मंडल है तापमंडल है, तो नीचे वाला जो भाग वो आयनमंडल और ऊपर वाला भाग बहिर्मंडल। आयनमंडल के अंदर क्या होते हैं? सैटेलाइट ग्रह। इसके अलावा और बात करते हैं तो ये और ध्यान रखना आपको, संचार प्रणाली जो होती है, संचार प्रणाली इसी मंडल द्वारा संभव होती है। और इसमें तो तापमान सूर्य की आगे बहुत ज्यादा दूर तक चले गए, इसलिए तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो आज तो इतना हम पढ़ेंगे कि आज जो है वो क्या है, केवल एनवायरमेंट बारे में पढ़ा है। अब हम जो पढ़ेंगे वो मौसम तथा जलवायु के बारे में बात करेंगे। उनमें हम एल्बिडो समझेंगे क्या होता है, जलवायु क्या होता है, डिफरेंस क्या होते हैं, इनके कॉम्पोनेंट क्या होते हैं, मौसम जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, वर्षा ओस फोग, इनमें अंतर हम समझेंगे। तो आज की क्लास के लिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।